बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। बिल्कुल 8.1 एक्सरसाइज थी हमारी, वैसी ही है। तो 8.1 एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट टॉपिक हमारा था एरिया अंडर सिंपल कर्व। तो ये आपको एक कर्व की इक्वेशन दी हुई थी और उसके अंडर में जितना भी एरिया आ रहा था वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखा था। फिर हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे क्या दिया होता कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। मतलब आपको एक कर्व की इक्वेशन दी हुई थी, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई थी और कुछ कंडीशन दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने उस रीजन में जितना भी एरिया आ रहा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हमने यहाँ पर फाइंड करना सीखा था। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। यानी अब आपको यहाँ पे दो कर्व की इक्वेशन दी होगी, मान लीजिए जैसे कि एक पैराबोला दी हुई है, एक एलिप्स दी हुई है और उसके बिटवीन में जितना भी एरिया आ रहा है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है कि वो एरिया आप यहाँ पे निकाल करके दिखाओ। तो कुछ भी नया नहीं है, जो अभी तक हमने किया था वही एरिया निकालने का जो तरीका था वही है, बहुत सिंपल है। तो एक एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कर्व बनाते हैं, दो कर्व की इक्वेशन लेते हैं, उनका ग्राफ बनाते हैं, फिर देखते हैं उनके बीच में आने वाला एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स, हमने एक कर्व की इक्वेशन ले ली, एंड y इक्वल टू जी एक्स, हमने एक कर्व की इक्वेशन यहां पर ले ली। कोई भी कर्व है, आपको जब क्वेश्चन दिया होगा तो देखिए, अभी हम सिर्फ सिंपली समझते हैं। ये दो कर्व है, ये दोनों कर्व आपस में इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते। तो ये हमारा लेट की x इक्वल टू a पर इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों कर्व का वो हम मान लेते हैं कि ये एक्स इक्वल टू आपका बी है। तो इन दोनों कर्व के बीच में जो भी रीजन आ रहा है उसका हमें एरिया निकालना है। तो ये मैंने शेडेड कर दिया भाई, ये कर्व नीचे की तरफ, ये कर्व ऊपर की तरफ, इन दोनों के बीच में येलो वाला पार्टी आ रहा है। अब इसका हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए जो हमने चैप्टर क्लास 9th पढ़ा था, ह्यूरोंस फॉर्मूला के अंदर हम पढ़ते हैं ना शेडेड रीजन का, जो हम एरिया निकालते हैं, क्लास 10th में भी देखा था शेडेड रीजन का एरिया। तो सेम यहाँ पे भी उसी कंसेप्ट का आप ध्यान में रखोगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले इस फिगर को हम दो फिगर में डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप इस तरह से ध्यान रखोगे तो इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये जो हमारा फिगर है, ये दोनों कर्व हमने एक ही ग्राफ में बना रखे, इन दोनों कर्व को हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग ग्राफ में बनाते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे दोनों ग्राफ के लिए अलग अलग एरिया बना लिया, अलग अलग यहाँ पे कर्व के लिए दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ बना दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये आपको यहाँ पे देखना है कि बड़ा वाला फिगर कौन सा है। तो जो ग्राफ ऊपर की तरफ है, जो कर्व ऊपर की तरफ है वो ज्यादा एरिया कवर करेगा और जो कर्व नीचे की तरफ है वो कम एरिया कवर करेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, देखो इस पूरे यहाँ के अंदर जितना भी है ना, इस पूरे का अगर मैं यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करूं और उसमें से इस एरिया के इस वाले कर्व का भी अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा। देखो ये वाला एरिया, ये वाला जो अगर मैं इसको उठा करके यहां से यहां रख देती हूं तो ये इस तरह से आएगा, ये वाला इस तरह से, ये हमने पूरा एरिया निकाल दिया। अब इसको उठाकर मैं यहां रख दूं तो ये इस तरह से आएगा और इस एरिया को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर ये पत्ती जैसा जो एक पार्ट बन रहा है, लीफ जैसा बन रहा है, यही बचेगा भाई। ये पूरा पर्पल वाला आप यहां से ले लो, इस पूरे का एरिया आपने निकाला, फिर आपने ये ग्रीन कर्व से रिलेटेड एरिया निकाला, फिर बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते बचा कौन सा, सिर्फ ये येलो वाला पोर्शन ही तो बचेगा। तो बस हमें यहाँ पे यही करना है कि आप यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि किस कर्व का एरिया जो होगा, किस कर्व से रिलेटेड एरिया जो होगा वो बड़ा होगा और किस कर्व से रिलेटेड एरिया जो होगा छोटा होगा। तो बड़े के एरिया में से छोटे के एरिया को आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो एरिया आपको निकालना है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। बाकी एरिया आपको कैलकुलेट करना आता ही है, ये लिमिट आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी, ये आपका फंक्शन हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दोगे, लिमिट पुट करके सॉल्व करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हम करेंगे। ये चीज हमें एरिया कैलकुलेट करना आता है, बट दो कर्व के बिटवीन का एरिया कैसे निकालना है तो बस हमेशा यही दिमाग में रखना है, बड़े कर्व के जो बड़ा एरिया है उसमें से छोटे एरिया को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे आ जाएगा या एरिया बिटवीन टू कर्व्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी जी एक्स डी एक्स। तो माइनस का साइन जहां भी आता है वहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, बड़ा छोटा, बड़ा माइनस छोटा ही आपको यहाँ करना है। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, अदरवाइज समझ नहीं जैसा इसमें कुछ भी नहीं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
तो एग्जांपल नंबर सिक्स देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास. तो आपको पता है ये पैराबोला किस फॉर्म में होते हैं, कर्व की फॉर्म में होते हैं. तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक पैराबोला है. तो आपको यहाँ पे देखना है ये जो आपकी यहाँ पे जो लीनियर की तरह जिसकी पावर क्या वन हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो ये वाई की पॉजिटिव साइड बनेगा, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो ये एक्स की पॉजिटिव साइड बनेगा. जिसकी डिग्री यहाँ पे वन है ना वो देखना है आपको. तो ये आपका वाई स्क्वायर है, यहाँ वन है तो एक्स की पॉजिटिव साइड और ये वाई की पॉजिटिव साइड. अब दोनों देखो ये दोनों पैराबोला कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये पैराबोला जो है वो हमारे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक पॉइंट आपका ये रहा. तो ये दोनों कहाँ पे आपका इन दोनों ये दोनों मिलकर कौन सा एरिया यहाँ पे बनाएंगे, तो ये एरिया यहाँ पे बना रहे. तो इसका हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ये रीजन बना रहे तो ये इसका हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है. तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो सबसे पहले जब भी दो कर्व आपको देने तो आपको दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए. तो ये तो आपका ओरिजिन है, तो ये पॉइंट तो आपको पता चल गया कि ओरिजिन है 0 0. अब हमें ये वाला पॉइंट यहाँ पे निकालना है. इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता होंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. तो ये वाला पैराबोला आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व जब हम करेंगे तो हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा. तो सॉल्व करके भी देख लेते हैं. देखो तो ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ये हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं. तो किसी में से भी एक वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रख दो. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखो ये पॉइंट हमारा जैसे आपको मैंने पीछे समझाया था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम हमेशा जब भी आप लिमिट लोगे तो या तो एक्स एक्सिस पे लोगे या वाई एक्सिस पे लोगे. तो हम यहाँ लिमिट अगर x एक्सिस पे ले रहे तो x एक्सिस का लोअर लिमिट अपर लिमिट हमें पता होना चाहिए. तो इसका मतलब ये तो हमारा लोअर लिमिट यहाँ पे हो गया, नहीं स्टार्टिंग पॉइंट है. अब ये वाला पॉइंट आपका यानी कि ये x एक्सिस पे कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो हमें एक्चुअल में इसके कोऑर्डिनेट चाहिए. तो इसके कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहाँ पे y पॉइंट तो क्या होता है, 0 होता है x एक्सिस पे. तो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करते हैं y को हटा लेते हैं. कुछ काम थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि जो चाहिए वही निकाले, हमें इसके y कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं, हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए. तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू यहां से उठा करके यहां रख लेते हैं. तो ये फ्रॉम फर्स्ट से हम सेकंड में y की वैल्यू रख रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका यहां पर कितना हो गया, x हो गया. तो ये सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड. तो अब आपको यहाँ नहीं कि ये स्क्वायर से ये काट देना है, ये नहीं काटना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व होगी, हमें इसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे. तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का एक्स उतर गया तो माइनस का एक्स इक्वल टू आपका जीरो हो गया. एक्स यहां से कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस वन अंदर बच गया इक्वल टू जीरो. तो एक पॉइंट आपको क्या मिला, एक्स इक्वल टू जीरो मिला, और एक आपको एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू वन मिला. तो जब x 0 है तो y भी 0 होगा. तो देखो एक पॉइंट हमारा ये रहा, जब आपका x 1 है तो y भी 1 होगा. तो ये पॉइंट आपका सामने ही आपको दिख रहा है कि कितना आ गया, 1 1 आ गया. तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा ना भाई, इस तरह से y एक्सिस के पैरेलल है तो ये पॉइंट तो आपका सेम रहेगा. तो ये पॉइंट आपका 1, 0 हो गया. मतलब आपके पास अपर लिमिट आ गई है x की और लोअर लिमिट आ गई क्योंकि हम x के अलोंग ले रहे हैं. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सा कर्व है जो ज्यादा एरिया ले रहा है और कौन सा कर्व है जो कम एरिया ले रहा है. तो हम सिर्फ अभी यहाँ पे इतना ही देख रहे हैं, ये बड़ा वाला, ये हमारा पिंक वाला कर्व है, ये हमारा ब्राउन वाला कर्व है. तो सीधा एरिया तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया यहाँ पर निकालेंगे. ये आपको दिख रहा है ना, ये 0 से यहां तक, यहां से यहां तक और ये वाला. तो पिंक वाला जो है, बाहर वाला जो कर्व है वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो उसके एरिया में से हम ब्राउन वाले एरिया जितना एरिया कवर कर रहा है, ये तो इतना सही कर रहा है ना, पिंक वाला तो पूरा एरिया कवर कर रहा है, ये पूरा का पूरा पूरा, और ब्राउन वाला सिर्फ इतना इतना कर रहा है. तो इस पूरे एरिया में से हम इस कर्व से रिलेटेड जो भी एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन यहां पर आ जाएगा. तो लिखेंगे यहां पर, तो हमने लिख दिया कि इंटरसेक्शन पॉइंट ये दोनों है. अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन में आपको पता है लोअर लिमिट ये रही, अपर लिमिट ये रही, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी जो हमारा क्वेश्चन के यानी इंट्रोडक्शन में जो फॉर्मूला दिया था उस फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया. अब आपको यहाँ डिसाइड करना है एफ एक्स कौन है और जी एक्स कौन है. तो एफ एक्स कौन होगा, जो बाहर वाला कर्व है, यानी यहां से हमें जो इक्वेशन, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे पहले बार, और ब्राउन वाले कर्व की जो इक्वेशन है वो हम पुट करेंगे जी एक्स वाली जगह. तो आप यहाँ पे एफ एक्स क्या होता है, वाई इक्वल टू होता है. तो यहां से वाई इक्वल टू वैल्यू लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा. यहां से वाई की वैल्यू उधर लेकर जाओगे ना भाई, एक्स इक्वल टू आपका कितना है, वाई स्क्वायर है, हमें वाई की वैल्यू चाहिए. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट एक्स होगा, बट हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है. तो यह हमारा आ गया 0 to 1 रूट एक्स आपका डी एक्स हो गया. तो ये हमें किससे मिला, ये हमें मिला है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड से, हमने इक्वेशन दी हुई है ना.
और यहाँ इसके लिए अब ब्राउन वाले कर्व की यहाँ से सीधे सीधे y की वैल्यू, y इक्वल टू कितना x स्क्वायर है, तो ये आप यहाँ पे रख दोगे। तो बस ये डिसाइड करना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सॉल्यूशन तो बहुत ही इजी है। तो ये आपका कितना हो गया, x स्क्वायर dx हो गया। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स यानी x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 / 1/2 + 1, और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट। फिर एक्स स्क्वायर का कितना होगा, तो एक्स क्यूब 3 हो जाएगा, फिर यही अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, तो हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल तो सी पुट नहीं करेंगे, तो ये 1/2 + 1 3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो यहाँ बाहर आके 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 + 1 3/2 हो गया, और ये आपका 0, ये 1 हो गया। फिर 1/3 आप यहाँ से ही बाहर निकाल दो, तो ये आपका x क्यूब हो गया, ये 0 1 हो गया। चलो अब लिमिट को पुट कर दे, तो ये 2/3 हो गया, x की जगह 1 रखोगे, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही रहता है। फिर माइनस 1/3, 1 की पावर क्यूब तो 1 ही रहेगा, और 0 की पावर क्यूब तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो एक्चुअली 1 - 0 1 बचा, तो यहाँ से आपका 2/3 बचा, और 1/3 × 1 - 0 1, और 1/3 × 1 1/3 बच गया। तो ये आपका कितना हो गया, एलसीएम ले लिया 3, तो ऊपर क्या आएगा 2 - 1, तो 2 - 1 कितना हो गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। लिमिट लगाना यूनिट लगाना नहीं भूलना है ना, स्क्वायर यूनिट हो गया। तो इजी हो गया, ऐसा कोई हमने अलग काम नहीं किया, बट आपको यहाँ दोनों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन किसको हमें पहले रखना है, किसको बाद में। अगर आपने उल्टा रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, तो आपका आंसर यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझाया, इससे आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लोगे। 8.2 एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, तो ये इंट्रोडक्शन इनफ है आपको आइडिया लगाने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो आप फटाफट से एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर लो। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से फ्री में नोट्स को डाउनलोड कर लो। थैंक यू।